गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज एक नए सुबह की शुरुआत हो गई और लगभग 4:58 हो रहे हैं। मुझे 5:15 तक काजीरंगा गेट पे जाना है, जहाँ मुझे एलिफेंट सफारी मिलेगी, क्योंकि वो 5:30 यहाँ से निकलेगी। तो मुझे 15 मिनट में यहाँ से 6 किलोमीटर जाना है, जहाँ पे मेरा कैंपिंग स्पॉट है। तो कैंपिंग स्पॉट मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी रात यहाँ पे बहुत रात है ही, और हम निकलते हैं काजीरंगा गेट के लिए। सामने सारे लोग एलिफेंट सफारी के लिए निकल रहे हैं और साथ में मैं भी निकल रहा हूँ। काजीरंगा, काजीरंगा प्रसिद्ध है अपने एक सिंगी गैंडे के लिए, जो कि दुनिया का 1/3 गैंडा सिर्फ काजीरंगा में पाए जाते हैं। मेरे साथ है मिस्टर पांडे। मैं इस छोटू के साथ आज हाथी सफारी पे निकला हूँ। इतने सारे लोग हाथी में बैठकर काजीरंगा का टूर कर रहे हैं। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। खूब अभी ऐसे जंगल में घूमे हो? ऐसे तो फर्स्ट मैं काजीरंगा का हूँ, फिर भी मैं फर्स्ट एलिफेंट सफारी कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। आज हमारे साथ एक यूट्यूबर है नोमैडिक बाबा, और बाबा के साथ हम बाबा लेकर चल रहे हैं काजीरंगा का टूर करने। मजा आ रहा है ना? मजा बहुत मजा आ रहा है। हमारे साथ देखिए एक छोटू हाथी भी है। सारे लोग यहाँ पे एलिफेंट सफारी का मजा ले रहे हैं, और अभी सनराइज हो रहा है। सूर्योदय का ऐसा नज़ारा कि काजीरंगा की सुंदरता में यह 4 चांद लगा दे रहा है। हमारे हाथी सफारी में हमारे साथ साथ एक छोटा सा हाथी जो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है इस यात्रा में। अच्छा, किसका बच्चा है ये? जंगल का है कि नहीं? नहीं, यहाँ का ही है, हम लोग का पाला हुआ है। अच्छा, आपका पाला हुआ है, तो आपका बात मानेगा? ये नहीं मानेगा। क्यों? ये तो अभी वो छपा है ना, इसका ट्रेनिंग नहीं हुआ। अच्छा, इसका नाम क्या रखा? ये सूरज। सूरज? हाँ, ये तो बहुत अच्छा नाम है, सूरज। सूरज, सूरज, आजा बेटा, आजा बेटा। अच्छा, और जिस हाथी पे हम लोग चल रहे हैं इसका क्या नाम आपने रखा है? ये हाँ, पृथ्वीराज। हाँ, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज ना? ये तो सच में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और अगर आप यहाँ का मजा लेना चाहते हैं तो भाई साहब एलिफेंट सफारी जरूर करिए, जो जीप सफारी से कई गुना ज्यादा। सामने मेरे रैनो, वाह। तो थोड़ा अभी हम बहुत दूर आ चुके हैं और हम आते ही एक रैनो। ये रहा राइनो, हमारा असम का प्राउड राइनो। आप लोगों ने शायद कभी भी राइनो के इतने पास नहीं गए हैं। ये है राइनो, ये असम का प्राउड है, और ये है 1 हॉर्न राइनो जो हमें आते ही देखने को मिला। और ये भी हमारा लगाएंगे।
इनकी आवाज कैसी आ रही है? हाथी और रैनो दोनों साथ में खाना खा रहे हैं। सब रैनो के पट्टी हैं। ये है काजीरंगा और हम इंजॉय कर रहे हैं एलिफेंट सफारी का। वो हमारे साथ हमारे राइडर हैं आज, मिस्टर क्या नाम है भैया? मुकुट तर्मकार। ये देखिए हाथी का बच्चा डर कर पीछे सो गया है। कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, तुम आते रहो हमारे पीछे पीछे, ठीक है? बहुत कम आते हैं। हम लोग किधर चलेंगे? अभी इसे घूम के जाएंगे। हम उधर है वन हॉर्न रैनो। इसकी दूरी मुझसे लगभग 10 से 12 फीट की है। वन हॉर्न रैनो। इतना मज़ा आ रहा है, आप सोच सकते हैं कि आप काजीरंगा में इतना पास से जानवरों को देख सकते हैं। अरे भैया मज़ा आ रहा है। अभी हम एलिफेंट सफारी काजीरंगा में हैं और इसका जो टाइमिंग होता है सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। इसके जो टिकट मिलते हैं वह शाम के 7 बजे से 8 बजे तक मिलते हैं। अगर आपको एलिफेंट सफारी का टिकट लेना है तो यहाँ पे एक दिन पहले आना पड़ेगा। और एलिफेंट सफारी इज़ द बेस्ट। जीप सफारी में आपको रोड सिर्फ रोड देखने को मिलेगा, लेकिन एलिफेंट सफारी आपको ऑफ रोड और मुझे लगता है कि रैनो को एकदम पास से 10 फीट दूरी से आपको दिखा सकता है। फाइनली लगभग मेरा 1 घंटे का एलिफेंट सफारी कंप्लीट हुआ।
और जितना देख पाया हमने आपको दिखा दिया। आगे हमारा डेस्टिनेशन है और अब हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की। फिलहाल मैं अपने कैंपिंग स्पॉट पे पहुंच चुका हूं और काजीरंगा की यात्रा हमारे जीवन की एक यादगार, सुखद और रोमांचकारी यात्रा रही। ये वही कैंपिंग स्पॉट है जहां पे मैं रात में रुका हुआ था। इनका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और काजीरंगा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें ये आपको बता सकते हैं और काजीरंगा की यात्रा में ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।